सोरेन सरकार का नया फार्मूला, जिन 7 जिलों में पिछड़ों को नहीं आरक्षण वहां ईडब्ल्यूएस का मिलेगा लाभ। राज्य के जिन 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है वहां इस श्रेणी के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों व अभ्यर्थियों को नौकरी तथा पढ़ाई में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन लोगों में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार तथा खूंटी सम्मिलित है। राज्य मंत्री परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कार्मिक विभाग के इस आदेश की स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए लाभुकों को आय से संबंधित वह सारे मापदंड पूरे करने होंगे जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है। इन 7 जिलों में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की संख्या अधिक होने के कारण पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण प्राप्त नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली। राज्य मंत्री परिषद ने उस प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके तहत राज्य के सरकारी पारामेडिकल संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 1 वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें नामांकन से पहले बॉन्ड भरना होगा। यह शर्त पूरी नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी से 1,00,000 रुपये की वसूली की जाएगी। राज्य सरकार ने एकलव्य योजना को लागू करने के लिए मार्गदर्शिका पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार यूपीएससी, जेपीएससी तथा केंद्र एवं राज्य आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराएगी। मार्गदर्शिका में कोचिंग संस्थानों तथा विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।